अनुजा सुन ना, शॉर्ट फिल्म का एक ही शॉर्ट बात है, जियो तो अगर जीना है, असल जीना है तो दूसरों के लिए जियो, बस यही है। बहुत ही टचिंग फिल्म है और मैं चाहूँगी कि मेरा जो बेटा है वो इस फिल्म को देखे, कि क्योंकि बहुत कम में जब एक बच्चा जब उसके खुद के पास इतना कुछ है नहीं लेकिन वो एक दूसरे बच्चे की मदद करना चाहता है तो वो किस तरह से कर पाता है, और जब करने की चाह हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, ये हमें फिल्म से सीखते हैं। तो आई थिंक ये चाह हर बच्चे में होनी चाहिए कि मैं जो कुछ भी मेरे पास है वो बहुत ही ज़्यादा है, मैं उससे बहुत कुछ कर सकता हूँ, चाहे ना सिर्फ अपने लिए लेकिन दूसरों के लिए भी। तो दूसरों के लिए सोचना ही एक हमारे बच्चों को ये फिल्म सिखाएगी और हमें भी यही चीज़ सिखाएगी। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, एक ऐसी फिल्म जो हम लोग को सोचने पे एकदम मजबूर कर देती है कि हम लोग सोचते हैं कि हम ढेर सारा पैसा कमाएंगे, नाम कमाएंगे, सब कुछ करेंगे और फिर वापस सोसाइटी को देंगे जो ये हिंदुस्तान ने हमें दिया है, जो सोसाइटी ने हमें दिया है। लेकिन एक छोटी सी एग्जांपल इस फिल्म में नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है कि जब एक वो छोटा बच्चा था और वो चाह रहा था खुद गरीब होके कि वो किसी और को मदद करे, किसी और को किसी और छोटे बच्चे को दाखिला दे स्कूल में, उसने कैसे खुद कमाई करके अपने टैलेंट को यूज़ करके, लिखने की टैलेंट को यूज़ करके पैसे कमा के एक बच्चे को स्कूलिंग करवाई, और ये एक बहुत इंस्पिरेशनल कहानी है। इसका मतलब है कि हम जहाँ पे भी हो लाइफ में, किसी भी छोटे से छोटे स्थान में, छोटे से छोटे बैंक बैलेंस के साथ, लेकिन हम परिवर्तन ला सकते हैं औरों की ज़िंदगी में। अमित भाई गए? हाँ, अमित। I will go on the same place. सर, just a small bike. आज महावीर जी ने और उनके पूरे कलाकार मंडली ने जो इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन के छोटे कार्यकाल का अंश देखने को हम सबको सौभाग्य मिला। कैसे एक व्यक्ति का जीवन और व्यक्तित्व
छोटी छोटी घटनाओं से, छोटे छोटे अपने अनुभवों से बनता है, कैसे दिल में दर्द पैदा होता है, कैसे समाज के प्रति सद्भावना और संवेदना पैदा होती है। जीवन की छोटी आयु में एक दलित के परिवार के साथ जो अन्याय होते देखना, घर में बिजली के अभाव में जीना, महिलाओं को कैसे धुआं के झोंके में अपनी तबीयत खराब करना, गरीबी में भूख के कारण कैसे एक छोटी बेटी का त्याग देना, इन सब अनुभवों को लेके एक व्यक्ति तय करता है कि वो जीवन और समाज दोनों के बीच कोई अंतर ना रखते हुए अपना पूरा जीवन देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने भारतीयों के लिए जिएगा। ये भावना इस फिल्म में देखने को मिली। मैं महावीर जी और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का परिचय उनके इस जीवन के अनुभवों से एक छोटे 32 मिनट की प्रस्तुति में इतने सुंदर रूप से हम सबको देखने को मिला। धन्यवाद। थैंक यू बताएं। मैं कुछ और आवाज में बोलूंगा। हाँ नहीं, बहुत एक बहुत सुंदर प्रस्तुति है। मुझे तो लगता है जब भी बच्चों की बात होती है और बच्चों के माध्यम से और बच्चों के जिस तरह से बच्चे दुनिया को देखते हैं, जब उस तरह से हम कहानियों को बताते हैं तो उसमें एक तरह की मासूमियत होती है। और मुझे लगता है इस कहानी में एक मासूमियत है, एक सच्चाई है जो एक छोटी सी फिल्म में आपके हृदय को छू जाती है कि इतनी छोटी सी बात हम बड़ों की दुनिया में बहुत पॉलिसीज में फंसी हुई दिखती है, बट एक छोटी सी बात जब बच्चे कहते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ है जो हो जानी चाहिए थी और ये प्रयास सारे हो जाने चाहिए। I think this is one of the most inspirational movies that I have seen, and I am sure that like me it will inspire all Indians. Thank you Mukesh. Okay, thank you. Well, ये फिल्म जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई है और जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो बचपन की एक झलक दिखाई गई है कि वो कैसे बहुत ही संवेदनशील एक बालक थे और जिन्होंने अपने बचपन में इतने एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस देखे हैं, तो जिससे एक इंसान का जो व्यक्तित्व किस तरह से उसका शेप अप होता है, लेकिन ये फिल्म उनके बारे में नहीं, हमारे बारे में है कि एज अ सोसाइटी वी हैव टू बी टुगेदर टू राइज। हम लोग आपस में एक दूसरे से अलग रह के राइज नहीं कर सकते। सो दिस फिल्म इज़ एक उनकी लाइफ का एक छोटा सा एक किस्सा है उनके बचपन का, लेकिन ये हमारे लिए है। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और इस फिल्म को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलनी चाहिए। वेल, आई थिंक ही इज़ द मोस्ट डिज़र्विंग कैंडिडेट। वो ऐसा नहीं है कि अपने मम्मी पापा की वजह से इस मुकाम पे पहुँचे हैं। वो बहुत ही संघर्ष करके, वाई यू लाफिंग, बहुत ही संघर्ष करके जो हैं, ही इज़ द राइटफुल लीडर ऑफ अ डेमोक्रेसी। वो हमने उनका चयन किया है, हम लोगों ने उनको चुना है, तो दिस कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हिम। दिस इज़ हिज वेल डिज़र्व प्लेस विच ही हैव नॉट ओनली डिज़र्व बट अर्नड by sheer hard work. So there is no conflict, there shouldn't be any doubt about his credibility as a prime minister. Of course, why not? 5 साल बहुत कम है किसी भी देश को खड्डे से निकालने के लिए।
You know, we are our country is in a pit. We need to pull it out. So 5 years are not enough. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Kangana. Shall we quickly say? बहुत 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 अच्छी लगी, बहुत कुछ सीखने को मिला इस फिल्म से, और मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ जैसे ही मौका मिले ये फिल्म ज़रूर देखें, और आप यकीन करें कि आप बहुत कुछ सीख के निकलेंगे यहाँ से। वही है कि आपके अंदर जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं एक बचपन में ही तय हो जाता है, तो एक छोटा सा बच्चा उसके मन में तभी से किसी और के लिए कुछ करने की वो जो प्रेरणा जागी थी, दैट मेड हिम टू व्हाट ही इज़ टुडे, एंड ही स्टिल डूइंग व्हाट ही वाज डूइंग। सो चलो जीते हैं नहीं, ही इज़ स्टिल लिविंग दैट लाइफ, एंड वी शुड ऑल लिव दैट काइंड ऑफ लाइफ, लिव फॉर अदर्स। थैंक यू सो मच। स्पेशल थैंक्स टू महावीर जैन। बहुत बहुत ही हृदय स्पर्शी ऐसी ये प्रेजेंटेशन थी आज की। एक बच्चे को बचपन से ही कैसे लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा मन में प्रबल होती है, उसमें से ये दिखता है, और वही बच्चा आगे जाके हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और इसमें से एक टेक अवे ये है कि जो हमारी वैल्यू सिस्टम्स है ये बचपन से ही या तो हमें इंस्पायर करके दूसरों से मिलती है या इनहेरेंट रहती है, और ये मूवी देखने के बाद, हर स्कूल में जाने के बाद, आई एम श्योर हर बच्चे को एक इच्छा आएगी कि मैं क्यों जीता हूँ और मैं कैसे दूसरों के लिए काम आ सकता हूँ और जी सकता हूँ। तो बहुत ही अच्छी एक मूवी है ये, जो हमें दूसरों के लिए जीना सिखाती है, और सभी ने इसे देखना चाहिए, एंड बेस्ट ऑफ लक टू द मूवी। वन टेक अवे फ्रॉम द फिल्म इज यू हैव टू थिंक बियॉन्ड योर सेल्फ, यू हैव टू थिंक व्हाई वी आर लिविंग। It is not just about ourselves, our luxuries, our aims, our ambitions. You have to go beyond that. You have to think for others. And the day you start empathizing with others, that is the moment you truly find yourself. So this is about finding yourself in true sense. Thank you. You can ask. ये शॉर्ट फिल्म है लेकिन बहुत रियलिस्टिक फिल्म बताई है, और वो इतना बहुत प्रभावित हो सकते हैं कि किसके लिए ये जीतना है, किसके लिए हम लोग जीते हैं, ये प्रश्न सभी के मन में आएगा। और मुझे लगता है कि इसके कारण अगर ये मूवमेंट बन जाए तो अपना देश भी आगे बढ़ेगा और सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और सुख और शांति मिलेगी। थैंक यू सर। एक फोटो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, आप सब लोग आए, थैंक यू। वेल, मैं इस फिल्म को हमने बनाया, बहुत प्यार से बनाया है, मैं और हमारे डायरेक्टर मंगेश जी ने, हमारे सब दोस्तों ने, मौलिक भाई ने, सब ने बहुत साथ दिया हमारा, आनंद जी हमारे प्रेजेंटर ये दोस्त हैं, और भूषण जी भी हमारे साथ हैं। सो ये फिल्म बेसिकली नरेंद्र मोदी जी के जीवन की वो घटना है जिससे उनके जीवन में पूरा बदलाव आया, और वो एक छोटी सी सोच उनके दिमाग में कि मैं किसके लिए जीता हूँ, छोटी सी बात पर बहुत बड़ा सवाल कि हम लोग किसके लिए जीते हैं। और 10-12 साल की उम्र में उनके दिमाग में ये बात आती है, और वो बहुत गहरा चिंतन करते हैं, अपने अलग अलग लोगों से पूछते हैं, अपने टीचर से, परिवार से, कि मैं किसके लिए जी रहा हूँ। और फिर उनको एक जवाब मिलता है कि जो दूसरों के लिए जीते, जो स्वामी विवेकानंद जी की एक लाइन है, वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, और वो उस लाइन को अपने जीवन में अपना लेते हैं। और उस दिन से लेके पिछले 50 सालों तक हम देख रहे हैं उनको कि वो उसी फिलॉसफी पे जी रहे हैं, और वो हम हर पल यही सोचते हैं कि मैं बाकी सब के लिए क्या करूँ। उन्होंने अपना घर त्यागा, परिवार त्यागा। जब हमें ये कहानी पता चली तो हमें बहुत अच्छी लगी, और इस कहानी को हमने बनाया, और
फॉर्चुनेटली सबको बहुत पसंद आ रही है। आप लोग भी कल इसको स्टार प्लस पे देखेंगे रात को 9 बजे। आप लोग भी अपनी बात करिए और बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि हम सबको मिलजुल के देश के एक नव निर्माण में लगना चाहिए, एक परिवर्तन में लगना चाहिए। हम सबको समाज को एक नया समाज बनाना चाहिए, बहुत पॉजिटिवली सबको जुड़ना चाहिए, क्योंकि बड़ी पॉजिटिव भावना से ये फिल्म बनी है, बड़ी ऑनेस्टी से फिल्म बनी है, उनके जीवन पर सच्ची आधारित घटना है। और हम सब ये एक मन में सवाल पूछेगा कि हम किसके लिए जीते हैं और हमें सबके लिए कुछ करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। देखो मैं बताता हूँ क्या मेरे दिल को छुआ, क्या छुआ मैं बताना चाहूँगा हमारे दिल को, कि रात को एक छोटा बच्चे के मन में ये सवाल आता है कि मैं किसके लिए जीता हूँ, और वो जो एक अपने फेलो स्टूडेंट के लिए क्या करते हैं वो बात बहुत दिल को छू गई और फिल्म में देखेंगे वो आप। थैंक यू। मैं मौलिक भाई को इनवाइट करूँगा, मौलिक भाई हमारे दोस्त हैं। मौलिक भाई क्या बोलूँ आई जस्ट वांट टू से कि आपका पिक्चर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। एंड आपका मैसेज भी बहुत अच्छा है। एंड आई थिंक दैट मोदी जी होल आइडिया ऑफ द फ्लावर, द सेल्फलेसनेस, द ह्यूमिलिटी ऑफ दैट वन थॉट हैज चेंज्ड द होल नेशन। सो आई थिंक दैट्स वंडरफुल। थैंक यू। थैंक यू इंडीड। सलील भाई ओके, सलेश भाई देखिए ये एक फिल्म नहीं है, ये महज एक फिल्म नहीं, एक आंदोलन है, एक आंदोलन है, एक प्रेरणा है, एक शिक्षा है, एक सबक है हम सबके लिए कि हम सबको अपने आप से सवाल करना चाहिए कि हम किसके लिए जी रहे हैं, हम किसके लिए जीते हैं। लेकिन मानिए अगर हम स्वयं के लिए जी रहे हैं तो हम जी नहीं रहे, सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो किसी ने बहुत ठीक कहा है कि आदमी बन जो धरा का भार कंधों पर उठाए, बांट दे जग को न अमृत बूंद अधरों पर लगाए, है ज़रूरत आज ऐसे आदमी की विश्व को, फिर विश्व का विश्व सिंधु पी जाए मगर हिचकी ना आए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री 125 करोड़ लोगों के वर्तमान के लिए और एक सुखद भविष्य के लिए जी रहे हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू सर, वेरी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, मिला मुझे बोलिए। देखिए मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि बहुत ही लाजवाब फिल्म देखी मैंने। पूरा श्रेय जाता है महावीर जी को, मंगेश जी को, भूषण जी जिन्होंने प्रेजेंट की है फ्रॉम पी सीरीज। आपके सवालों का जवाब मैं चाहूँ तो रात भर दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि आप किसके लिए जीते हैं। सबसे पहले बताना चाहता हूँ ये फिल्म देखने के बाद, कुछ फिल्में होती हैं जो दिल को छू देती, कोई भी अच्छी फिल्म देखो दिल को छू लेती है, लेकिन कोई फिल्म ऐसी होती है जो आपके जहन दिमाग रूह में चली जाती है। ये वो फिल्म है हर हिंदुस्तानी को देखनी चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए, मैंने ली है। इस वक्त ये सिर्फ हमारे मीडिया के सामने ये बोलने की बात नहीं है, ये कि भाई आपको कोई बोले कि कुछ बोल दो और आपने कुछ कह दिया और उसके बाद आप चले गए, ये जाने वाली बात नहीं है, ये रहने वाली बात है, ये रह गई है। मैं अपने सारे हिंदुस्तान के लिए जीता हूँ, मैं अपने संगीत के ज़रिए हर एक इंसान जो गम से गुजरता है उसकी तकलीफ दूर करना चाहता हूँ अपने संगीत के ज़रिए। बहुत सी फिल्में आपने मेरे देखी होंगी, जैसे कि बॉर्डर है, LOC कारगिल है, हमारे हिंदुस्तान के जवान जो कुर्बानियाँ देते हैं। सबसे छोटे बचपन में जो मोदी जी की कुर्बानी मैंने देखी कि उन्होंने एक नाटक प्ले किया और उसके बाद पैसा इकट्ठा कर कर अपने दोस्त के लिए यूनिफॉर्म ला के दिया, वो कमाल की बात थी, वो मैं रोया बहुत देख कर। इससे नज़र आता है कि इतने महान इंसान क्यों हैं। और ख़ास करके एक चीज़ मैंने नोटिस की, स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेते हैं, कमाल की बात है। इनका नाम भी नरेंद्र है, नरेंद्र मोदी, स्वामी विवेकानंद जी का नाम भी नरेंद्र ही था। मैं ये दावे से कहना चाहता हूँ इनके अंदर का जज्बा जो है उसने मुझे अंदर से झिझोड़ दिया है, और बल्कि मैं समझता हूँ कि जो कल नया दिन आएगा वो ज़रूर ये लेके आएगा कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं हर इंसान के लिए जीना चाहता हूँ, उसे जीना कहते हैं। ये फिल्म वो प्रेरणा देती है
آنریبل پرائم منسٹر نریندر مودی جی کو میں کتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وی آر بلیسڈ ٹو ہیو یو ایز دا پرائم منسٹر آف اے گریٹ کنٹری. واٹ اے فلم اینڈ واٹ اے ہیومن بینگ یو آر. گاڈ بلیس. ڈائریکٹر آف دا فلم, رائٹر اینڈ ڈائریکٹر آف دا فلم منگیش ہڑاولے. کیا بول رہے ہیں فلم کے بارے میں پوچھے, یو کین آسک دا کوئسچن. شوٹنگ کا کیا ابھی کا؟ دیک انڈین سرکس میری سیکنڈ فلم تھی, اور پہلے میں نے ٹنگا نام کی ایک فلم کی تھی. دونوں فلم کو پریسیڈنٹ ایوارڈ ملا تھا. اس کے بعد ہم نے مہاویر جین اور ہم نے مل کے شارٹ فلم کی ہے, چلو جیتے ہیں. بیسیکلی شارٹ فلم کرنا اتنا ہی دماغ میں تھا, اور کس سبجیکٹ کے اوپر کرنا یہ طے نہیں کیا تھا, مگر کچھ ایسا کرنا تھا جس کے کارن دیش میں ایک پریورتن آئے, سماج میں کچھ پریورتن آئے. اور ایک دن میں نے نریندر مودی جی نے لکھی ہوئی سامجک سمرستا یہ کتاب پڑھی, اور اس کے فرسٹ چیپٹر میں مجھے شارٹ فلم کا جسٹ ملا. پھر میں احمد آباد گیا, پھر اس کے بعد وڈنگر گیا, ان کے نیٹو پلیس, اور لگ بھگ دو ڈھائی مہینہ ریسرچ کرنے کے بعد اسکرپٹ لکھی. اور فلم میں جتنے سارے لوکیشنس یوز کیے ہیں وہ سارے ریئل لوکیشن ہیں, پی ایم صاحب کی ریئل پاٹھ شالہ, ریئل کلاس روم, ریلوے اسٹیشن, سارے ریئل لوکیشن کا استعمال کیا ہے. اوور آل جب لوگ فلم دیکھتے ہیں تو میرے سے بات کرتے ہیں تو ان کو اندر سے بہت بدلاؤ وہ محسوس کرتے ہیں, بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, بہت کچھ نئی چیز محسوس کرنے کا وہ احساس کرتے ہیں. تھینک یو. اچھا منگی جی, کر رہا ہوں اب میں آپ کو انٹروڈیوس کرتا ہوں ایک چھوٹے سے بچے کو جو نریندر مودی بنے ہیں فلم کے اندر. نریندر مودی یہی بنے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ کچھ کہیں. کہو بیٹا. ہیلو, مائی نیم از دھیریہ درجی, دھیریہ نیتیش درجی. فیلنگ سو پراؤڈ ڈوئنگ پی ایم سرز مووی. مینس پرائم بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے انہوں نے, اور بہت دل سے یہ رول نبھایا ہے. بیٹا آپ نے کیا سیکھا ہے وہ بتائیے. میں نے یہ سیکھا ہے کہ دوسروں کے لیے جیو, خود کے لیے تو سب جیتے. کیا بات ہے, تھینک یو. کوئی پوچھنا, ایک آدھ سوال پوچھ لیجیے آپ لوگ. اینی کوشچن؟ ٹھیک, تھینک یو. اچھا ابھی بہت سارے اپنے سیلیبریٹیز فرینڈ آ رہے ہیں, وہ اسکرین ختم ہو رہی ہے, دو دس منٹ میں پانچ منٹ میں پہنچ جائیں گے. آنند رائے جی اور اپنے پریزنٹر فلم کے, بہت سارے اور ایکٹر ایکٹریس آ رہے ہیں. پانچ منٹ رکے بس, پانچ منٹ, دو منٹ کرا دو پھر. اچھا میں جب تک آپ لوگوں کی فلم کی کاسٹ کے ساتھ کروا دیتا ہوں, پھر اپنے سیلیبریٹی سارے دوست آنے والے ہیں. یہ ہماری ٹیم ہے, انہوں نے سب نے بہت اچھے اچھے کردار کیے ہیں. آپ لوگوں نے کام کیا ہے, اور فلم کل آپ دیکھیں گے اسٹار ٹی وی پہ. پاپا جی کا ہے فادر ہی ہے. رات کو 9 بجے سب فلم دیکھیں اسٹار پہ. بہت ہی خوبصورت ایکسپیرینس رہا ہے, اور یہ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ لائف میں جو انسپائر ہوتا ہے کہ یار چلو جیتے ہیں, اپنی زندگی کو کیسے انسان کو سوچنا چاہیے کہ کچھ کسی کے لیے کرنا ہے. تو آل اوور جو ہمارے منگیش سر نے بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے اس فلم کو انہوں نے بنایا ہے, اور مزہ آ گیا دیکھ کر کے, اور آپ لوگ بھی دیکھیں اور آپ لوگ بھی انجوائے کریں. بس وہی چلو جیتے ہیں. آج پتا چلا کہ ہم لوگ کس کے لیے جی رہے ہیں. میں نے بھی اپنے آپ سے ایک سوال پوچھا کہ میں کس کے لیے جی رہی ہوں, پر میرے بیٹے نے مجھے سکھا دیا کہ ہم دوسروں کے لیے جیتے ہیں. آپ سب پلیز اسٹار کے ہر چینل پہ دیکھیے رات کو 9 بجے چلو جیتے ہیں. سب ایک ساتھ بولیں گے کل رات 9 بجے اسٹار پہ چلو جیتے ہیں. چلو چلو چلو.
میں نے فلم دیکھی, میں آتے وقت سوچ رہا تھا کہ 30 منٹ میں کیا دکھائیں گے, مگر کمال کر دیا 30 منٹ میں. ایک ایسا خیال, مودی جی کا جیون تو اتنا بڑا ہے کہ کیا بتا سکتے ہیں, مگر ایک ایسا تھاٹ, اتنا زبردست ڈائریکشن, پورا پروڈکشن زبردست تھا کہ میں خود سوچ نہیں پایا کہ میں ایسا کیوں نہیں سوچ پایا. اتنی چھوٹے سے تھاٹ پہ اتنی بڑی بات کہہ دی ہے. میرے خیال سے ہر ہندوستانی نے, بھلے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو, کسی بھی وچار کا ہو, اس نے یہ فلم ضرور دیکھنی چاہیے, خاص کر کے بچوں نے دیکھنی چاہیے. دھنیہ واد. اتنے سالوں میں میں کہیں نہیں گایا تھا, میں اسی زندگی میں تھا. ویسے فلم کار کہاں جائے تو میں سوچ رہا تھا کہ کیسی ہوگی, 30 منٹ کی فلم ہے لگ بھگ, کیا دکھا سکتے ہیں, ایسا کیا ہوگا, کسی کے جیون بھر کی باتیں بتائیں گے کیا. اور جس طرح ایک مدعا انہوں نے لیا ہے اور اس مدعے پہ چھوٹے بچے کی طرح جو بتایا گیا, میں سوچا مودی جی جیون اتنا بڑا ہوا دکھائیں گے کیا, پر ایک ایسا انہوں نے اکا ڈالا ہے جو نہ بات پارٹی کی ہے, نہ آپ کی وچار دھارا کی ہے, بات انسانیت کی ہے, ہر ایک بچے کی انوسنس کی دوارا دکھائی گئی ہے. میرے خیال سے ہر ہندوستانی نے یہ فلم دیکھنی چاہیے, سمجھنی چاہیے, اور مجھے فخر ہے انہوں نے یہ فلم بنائی ہے, اور جلن بھی ہو رہی ہے کہ ایسا تھاٹ میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا. تھینک یو. بہت ہی امیزنگ فلم ہے. آئی تھنک کیسی لگی فلم؟ آئی تھنک اٹس اے مائنڈ بلوئنگ فلم, بیکاز ایک شارٹ فلم میں اتنے لمیٹڈ ٹائم میں آپ اتنی امپورٹنٹ بات بول رہے ہیں, کیونکہ ہم سب ایک لائف جی رہے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیوں جی رہے ہیں. سو ایک مطلب ایک جو چھوٹا سا بچہ ہے اس کی ایکٹنگ, اینڈ آف کورس دیٹس لائک دی پرائم منسٹر آف آر انڈیا, ان کے تھرو ہمیں ایک اتنا امپورٹنٹ لیسن سیکھنے کو مل رہا ہے کہ وٹ ایور وی آر ڈوئنگ, وائی وی آر ڈوئنگ, وی شوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ. سو آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ میسیج فار ایوری بڈی, اینڈ ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کیسے باقی لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں, کیسے وی کین میک آر لائف یوزفل فار دا ادرس. سو اٹس اے ونڈرفل امیزنگ ایکسپیرئنس, ریئلی ہارٹ ٹچنگ, اینڈ آئی گاٹ ریئلی گوز بمپس ایٹ دا اینڈ آف دا فلم. سو آئی وڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ مسٹر مہاویر جین اینڈ دا ہول ٹیم فار این امیزنگ فلم. سیریسلی تھینک یو. اوکے, اپنے کانچی کی ایکٹریس مستی از ہیئر. Hi. It's first of all, I'm like really, really amazed ke itne chote se time mein itne beautifully present kiya hai isko, and the message of kindness, the message of giving, jo line hai iska bas wahi jeete hai jo dusron ke liye jeete hai. I think it's a beautiful message, and I would like to congratulate the entire team for making such a beautiful movie, and I think I'm really, really proud that, you know, like I came here today and I watched this film, and I think it's been a great you know, moment for me being a part of the, you know, like this, watching the film and interacting with the entire team, and I'm really happy that I could see this. فلم کے پریزنٹر آنند رائے جی آ رہے ہیں, انوائٹ ان دا انٹائر میڈیا, کال دا فوٹوگرافرز ایز ویل. کیا حال ہے؟ پرسوں ملا تھا اس سے. کیسی لگی فلم؟ چلو جیتے. آپ فلم کے پریزنٹر بھی ہیں؟ نہیں, میرے لیے میں اس فلم کے ساتھ جڑا ہی اس وجہ سے کیونکہ مجھے بہت پسند آئی تھی یہ فلم, اور یہ لائن جو تھی چلو جیتے ہیں, جو کہ ہماری لائف کی سب سے بیسک لائن ہونی چاہیے تھی, مجھے جب یہ بات میرے پاس پہنچی مہاویر جی سے اور منگیش سے, تو مجھے لگا میں 47 ایئرس کا ہو گیا ہوں, داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے. یہ لائن میرے کو سوچے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا کہ چلو جیتے ہیں, یہ بیسک لائن ہے سر. اور پھر جب میں نے یہ فلم کے بارے میں سنا اور دیکھا, اور مجھے لگا کہ یہ تو اس کے بیونڈ ہے, یہ تو آپ کو سن کے لگتا ہے چلو جیتے ہیں ایک لائن ہے, پر جو چلو کسی کے لیے جیتے ہیں وہ کتنی بڑی لائن ہے. اس کے اندر جو چھپا ہوا ہے وہ اس لائن کے پیچھے اس کی الگ دنیا ہے جو چھپی ہوئی ہے. تو میرا اس کے ساتھ جڑنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ مجھے اس سے کچھ سیکھنا ضروری تھا. پرسنلی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پی ایم مودی کی لائف سے کتنے انسپائرڈ ہیں
دیکھیے انسپریشن جہاں سے بھی آئے آپ کو لے لینی چاہیے. یہ کہانی اگر کسی نے بھی جیے, جس نے بھی جیے, اس کی لائف میں کچھ گھٹا ہے, اس جو بھی اس کی لائف میں گھٹا ہے, اگر وہ آپ تک پہنچ رہا ہے, آپ کو کبھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور میرے لیے یہ بہت ضروری تھا سمجھنے کے لیے کہ اگر یہ ہمارے پردھان منتری کی زندگی کا حصہ ہے تو شاید کچھ چیزیں ہماری زندگی میں ٹھیک ہو رہی ہیں. بھائی میں بہت ہی سادھارن آدمی ہوں, میرے کو بہت ساری پالیٹکس یا اس کے آس پاس کی دنیا سمجھ نہیں آتی. میرے کو صرف اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ ایک سوچ, مجھے سوچ سمجھ آتی ہے, اور اس کہانی کے اندر جو سوچ تھی وہ مجھے بہت پربھاوت کرتی ہے. میرے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میں جس چیز کے ساتھ بھی جڑ رہا ہوں اس سے کچھ سیکھوں, اور میں نے اس سے کچھ سیکھا. تھینک یو, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. مائک ہے, مائک ہے. ویل ہمارے بہت اچھے دوست مہاویر جین کی فلم ہے, اور بہت ہی قریبی دوست ہیں, اور خاص کر دیبینا تو قریباً 10-15 سال پرانے دوست ہیں, بچپن سے جانتے ہیں. ہاں بچپن سے جانتے ہیں, ان کی فلم ہے, اور وہ فلم جب بھی بناتے ہیں تو بہت ہی اچھی ہوتی ہے, ٹریلر بہت اچھا ہے, تو آئی ہوپ کہ بہت اچھی فلم ہوگی. سی آئی ہیو نون مہاویر فار دا لانگیسٹ ٹائم ان بامبے, اور مہاویر نے اس سے پہلے بھی ایک فلم بنائی تھی دا گریٹ انڈین سرکس آئی تھنک, تو اس نے بھی کافی سارے اوارڈز جیتے تھے, پر اس طریقے سے بہت لوگوں کے سامنے تک نہیں پہنچ پائی تھی. دس از ہز سیکنڈ اٹیمپٹ اینڈ آئی تھنک دس وڈ بی ونڈرفل. ہم لوگ اپنی جی جان سے ان کو شبھ کامنائیں دیتے ہیں کہ اسی طریقے سے وہ کانٹینٹ وائز فلم بنائیں اور بہت بہت آگے تک جائیں. ویل ہم سبھی ہمارے پی ایم صاحب کے بہت بڑے فین ہیں ہم سب, اور ان سے ملتا جلتا میں نے بھی سنا یہ فلم بہت کچھ ہے, تو دیکھ کے ہم زیادہ بتا پائیں گے, لیکن آئے جیسے دیوینا نے بتایا کہ مہاویر کی فلم ہے تو ضرور اچھی ہوگی. دا ہول انڈیا ناؤ نوز انڈیا فرام مودی. ہاں آپ مودی کے جگہ سے ہو, تو اگر مودی سے کوئی فلم میکر انسپائرڈ ہوتے تو آئی تھنک دیٹس اے ویری لاجیکل اینڈ ویری نائس تھنگ ٹو ہیپن, اور ہم بھی بہت اتسک ہیں دیکھنے کے لیے. ابھی تک تو صرف پروموز دیکھے ہیں, ٹریلر دیکھے ہیں, اور وی آر سو ایکسائٹیڈ ٹو سی واٹ ہی ہیز میڈ دس ٹائم.
वेल ट्रेलर देखा है, बहुत ही अच्छा ट्रेलर है और बस इंतज़ार है कि जल्दी से जाके देखें। और शॉर्ट फिल्म है तो आधे घंटे की है और जो भी शॉर्ट्स थे उसमें ट्रेलर में बहुत ही अच्छे थे। वेल मुझे तैयार होने में सिर्फ 2 घंटे लगे और देवीना को सिर्फ 3 घंटे लगे। कभी तो तुम कुछ अलग बोलोगे। हाँ आई थिंक मैंने तो एक पैंट सूट पहना है और डिफरेंट ये है कि इसमें काफ़ी सारे ज्वेलरी मैंने नहीं पहना, मैंने कपड़ों को पहना दिया। और गुरमीत इज़ वेयरिंग अ ब्लैक पैंट एंड शर्ट, बट इट्स टिपिकली नॉट अ पैंट शर्ट, अलग है, कैजुअल कम फॉर्मल बोल सकते हो। आप देख सकते हैं गुरमीत ने क्या पहना। हाय, बहुत कुछ सुना है इसके बारे में और काफ़ी उम्मीदें लेकर आ रहे हैं। सुना है कि बहुत ही नेक फिल्म और बहुत ही स्वीट सा अच्छा सा फिल्म है, तो डेफिनेटली काफ़ी उम्मीदें लेकर आए हैं और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इट, क्योंकि एक सोच उनकी नेक है, अच्छी सोच है और आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक। Yeah, I saw the trailer today. It looks interesting. The thought behind it is really good, so I'm looking forward to see the film. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और अगर उनके लाइफ पर आधारित है और उनके लाइफ से इंस्पायर्ड है तो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इट। हालांकि मैंने सुना एक 30-32 मिनट की फिल्म है, सो आई एम श्योर दैट इट्स गोइंग टू बी एक बहुत ही अच्छा मैसेज होगा, एक नोबल मैसेज होगा and I'm sure it'll be inspiring, you know, hamare youth ke liye, hamare you know, for the citizens of this country. I'm sure it's going to be inspiring for people like us as well. Yes, there are a couple of things in the pipeline. Very soon you'll hear announcements. Aap kya chahte ho, romantic ho ya horror ho ya action? Ne zarur, inshallah zarur sab tarah ki filmein karenge aapki good wishes ke sath. Thank you. Thank you.
भागे थे पकड़ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ग्रोथ के बारे में, देश के बारे में, हमारी यूनिटी के बारे में और इन चार साल में हमारे देश ने क्या तरक्की की है, एक सारी एक थॉट मिलेंगे. सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि एग्जैक्टली ये फिल्म कैसी बनी होगी. इनफैक्ट पूरा मुंबई आया है और देखने के लिए. मैं बहुत एक्साइटेड होकर आया हूँ. कैन यू इमेजिन कि ऑल द वे इन मुंबई ट्रैफिक अगर टाउन में आ रहे हैं इसको देखने के लिए. सो आई रियली वॉन्ट टू सी दैट एग्जैक्टली कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनको हम पूरा देश ने, पूरा विश्व चाहता है, उनकी सारी एबिलिटीज़ और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को देश देखेगा और ये फिल्म के द्वारा हम लोग जानेंगे. मैं बहुत पॉजिटिव देखता हूँ. अवेयरनेस हो गई बिकॉज आई ट्रैवल वर्ल्ड एंड वेर एवर आई ट्रैवल द पीपल आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, दे आर टॉकिंग अबाउट मेक इन इंडिया और एक नए ग्रोथ के साथ देख रहे हैं. वेरी पॉजिटिवली देखा जा रहा है और पूरा देश बड़ा एक्साइटेड है. यूथ हमारा, युवा वर्ग बड़ा एक्साइटेड है. सो या एवरीबॉडी इज़ वेरी हैप्पी. चार साल एक अद्भुत से गुजरे हैं और ईश्वर ने चाहा तो आगे भी बड़े अच्छे से गुजरेंगे. भाषण देना बोलो. अरे दोस्त तुम जी, हमारे मित्र भूषण कुमार, महावीर जैन, इन्होंने बहुत ही मीनिंगफुल शॉर्ट फिल्म बनाई है जो मैं, जिसका मैंने ट्रेलर देखा है. लेकिन इस प्रयास को मैं सराहना चाहता हूँ क्योंकि जो ट्रेलर देखकर पता चलता है कि किस तरह की मीनिंगफुल शॉर्ट फिल्म बनाई है इन्होंने. आप भूषण कुमार मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, महावीर जैन जो कि नए फिल्मों में आए हैं वो भी बड़े अच्छे मित्र हैं. तो ढेरों शुभकामनाएं इस प्रयास को. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दिस फिल्म. ढेरों शुभकामनाएं इस फिल्म को. मैं फिल्म देखना चाहता हूँ. आप सवाल पूछिए. मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. अव्वल तो ये जो फिल्म बनी है मोदी जी के बचपन से इंस्पायर्ड है. चलो जीते हैं ये मंगेश जी ने बनाई है, भूषण कुमार जी हैं, कमलेश जैन जी हैं, आनंद राय साहब हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. चलो जीते हैं से मुझे ये समझ आता है कि अगर इंसान किसी के लिए हर दिन किसी एक इंसान के लिए जिए, सिर्फ अपने लिए नहीं जिए, वो जिए किसी और के लिए, बहुत बड़ी बात होती है. ये सीख हमें मोदी जी से मिलती है, उनके बचपन से मिलती है, उनकी इस फिल्म से मिलती है. ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है हम सब के लिए, हर एक हिंदुस्तानी के लिए, कि आप एक इंसान से प्रेरणा लें, गेट मोटिवेटेड. और उनका इस फिल्म का जो लक्ष्य है, जो मैंने समझा है, कि आप सिर्फ अपने लिए मत जियो, जियो तो किसी और के लिए जियो. हर एक दिन चलो जीते हैं का मतलब है हर एक दिन आप किसी एक इंसान की ज़िंदगी अगर उसकी बदल सकते हैं, बेहतर ज़िंदगी बना सकते हैं, तो उसे जीना कहते हैं. सिर्फ जीना कि 24 घंटे आपको निकालने हैं और वो दिन ख़त्म करना है, उसे जीना नहीं कहते हैं. तो चलो जीते हैं मतलब है सिर्फ अपने लिए नहीं, हम किसी और के लिए जीते हैं और उसकी ज़िंदगी संवारते हैं. मैं बहुत उत्सुक हुई फिल्म देखने के लिए. उनके पूरे मोदी जी के बचपन पर आधारित फिल्म है और मुझे पूरा यकीन है बहुत ही प्यारी फिल्म होगी जो सभी को, हर हिंदुस्तानी वासी को प्रेरणा देगी आगे बढ़ने के लिए.
Yeah. I'm really excited because I think this is a short film. In this case, it's a very deep message. Short film mein ek bahut hi gehra message hai and I'm really really excited to see ke kya bana hai, you know, like I'm ye bahut time se main sun rahi hu and I'm really excited to watch it. Well, I think unki life bahut hi inspiring rahi hai. जिस लेवल से वो आज एक पूरे देश को चला रहे हैं, इतने ऊपर आ रहे हैं और हम सबके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, सो आई थिंक हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे. या राइट, पार्ट ऑफ वेरी एम्बिशियस हिंदी फिल्म दैट्स कमिंग अप सम टाइम नेक्स्ट ईयर, बट राइट नाउ आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट. या It's a historical movie. Yeah, yeah, yeah. Bahut, bahut. Yeah. Thank you. Bye. छोटा सा मूवी है.
अनुजा सुनना, शॉर्ट फिल्म का एक ही शॉर्ट बात है, जियो तो अगर जीना है, असल जीना है तो दूसरों के लिए जियो, बस यही है।